नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि किस प्रकार से स्पाइस मनी के द्वारा हम किसी भी मोबाइल नंबर पर ईटॉप कैसे करें। जी हाँ मित्रों, स्पाइस मनी के द्वारा हम किसी के भी मोबाइल नंबर पर अगर ईटॉप करना है तो वह प्रोसेस किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप स्पाइस मनी ऐप पर लॉगिन होंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आइए मित्रों, इस इंटरफेस के द्वारा हम यहाँ पर इस आईडी के द्वारा, एक आईडी है उसके द्वारा हम इसमें स्पाइस मनी में लॉगिन होते हैं। तो मित्रों, यहाँ से हमने एक आईडी को यहाँ पे लिखा है और यहाँ पर हम पासवर्ड को इंटर करेंगे। पासवर्ड को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन देख रहे हैं, इस लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। मित्रों, इस आईडी के द्वारा हम इस स्पाइस मनी में लॉगिन हो चुके हैं। और मित्रों, आज का जो वीडियो था हमारा, वो टॉपिक था उसका कि किस प्रकार से हम किसी भी मोबाइल नंबर पर ईटॉप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है मोबाइल रिचार्ज, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। मित्रों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी मोबाइल नंबर पर हम ईटॉप कैसे करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेट लिखा है, यहाँ पर आपको स्टेट चूज करना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अर्थात कहने का जो जिस मोबाइल पर आप ईटॉप कर रहे हैं वह मोबाइल नंबर किस स्टेट का है। तो मित्रों, जो एक मोबाइल नंबर है वो उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ से हम स्टेट में उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद मित्रों, यहाँ पर हमें किस सर्विस से हम मतलब कौन सी सिम चलाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उस सिम को यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम मित्रों अब जो भी सिम चलाते हैं, यहाँ पर आपको तमाम तरह की BSNL, टाटा डोकोमो, एयरटेल, यूनिनॉर, MTNL मुंबई से, MTNL दिल्ली, रिलायंस जियो, वोडाफोन और आइडिया, तो VI वाली सिम यहाँ से और जियो की सिम यहाँ से हमें क्लिक कर देना है। अगर आप एयरटेल की सिम चलाते हैं तो यहाँ पर आपको एयरटेल पर क्लिक कर देना है। तो मित्रों, यहाँ से जो कस्टमर है उसका जो जियो का है तो यहाँ पर हम जियो पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ से हमें मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है, मतलब मोबाइल नंबर आपको फिल करना है कि किस मोबाइल पर आप ईटॉप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मित्रों, मैं अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे नीचे सर्कल लिखा है। अब जो ये सिम है वो कहाँ पर यूज हो रही है यहाँ पर आपको देखना है। तो यह जो सिम है ये जहाँ पर यूज हो रही है आपको वहां पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा है यूपी ईस्ट, जो ईस्ट साइड से ये सिम बिलोंग करती है, तो यहाँ पर हम यूपी ईस्ट पर जो नंबर 17 है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे कितने अमाउंट का हमें रिचार्ज करना है। तो यहाँ पर आप बगल में देख रहे हैं, यहाँ पर जो वैलिडिटी 55 है, 555 रुपए की है, 15 रुपए का जो डाटा पैक है। अब यहाँ पर आप तरह तरह के आप ईटॉप देख सकते हैं कि कितने रुपए का हमें ईटॉप करना है। तो यहाँ से हम मित्रों देख सकते हैं कि कितने रुपए का हमें ईटॉप चाहिए। तो यहाँ पर आपको वो नंबर को चूज कर देना है और ईटॉप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमें 365 दिन का ईटॉप करना है, 2.5 GB पर डे है। और अगर हम इसमें करें तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे 2,399 रुपए का, 2,999 में। और यहाँ पर लिखा है प्रोसेस टू पे, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हम यहाँ पे कर देंगे और पे में क्लिक करने के बाद आप अपने इस मोबाइल नंबर पर रिचार्ज पा सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर मेरे में इतना बैलेंस नहीं है, मेरे में जो 26 रुपए 19 पैसे हैं, इस वजह से मेरा जो यहाँ पर रिचार्ज है वो फेल हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी कस्टमर का रिचार्ज कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।